कुलचे हमने खा लिए, पेट एकदम भर चुका है यार, मजा आ गया। काफी भारी कुलचे थे, आलू वगैरह की क्वांटिटी भी ज्यादा थी, तो पेट भर चुका है। अभी गाड़ी में बैठे हैं तो ड्राइवर अंकल कह रहे थे कि आप ना अभी जम्मू में आ चुके हो तो आपकी सिम बंद हो जाती है, तो आप यहाँ से सिम ले लो एक, तो जब जब आप जम्मू आया करोगे ना वो सिम डाल लो तो वो सिम चल जाया करेगी। तो ऐसे ही हम अभी कर रहे हैं, पापा सिम लेने गए हैं, अगर वो चल पड़ी तो मतलब कि जम्मू में जब भी हम आया करेंगे या कश्मीर में जब भी है ना हिमाचल में, तो ये वही सिम चलाया करेंगे, क्योंकि 9 तारीख को हमने फिर से कठुआ आना है, तो आज भी तो हम रजौरी जा रहे हैं तो उस दिन भी काम आ जाएगी। अगर आप अभी के समय में जम्मू में आएंगे तो आपको वहां की सड़कें थोड़ी टूटी फूटी सी मिलेंगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा अब फ्लाईओवर बन रहे हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं ट्रैवल करने के लिए उनके लिए सरकार बढ़िया बढ़िया फ्लाईओवर बना रही है। जैसे अभी तो थोड़ा टूटा फूटा है, मुझे लगता है कि 4-5 सालों में जब यहां पर फ्लाईओवर बन जाएंगे तो ये शहर और ये जम्मू सबसे सुंदर इलाका हो जाएगा पूरे भारत का। तो आप देख ही सकते हो यहां पर कितने कितने बड़े सीमेंट के पहाड़ बने हैं, क्रेन है फ्लाईओवर के लिए, बड़े बड़े पत्थरों को चुना गया है। तो इसी प्रकार मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया ये रिकंस्ट्रक्शन जो हो रही है ये कठुआ जम्मू को और भी सुंदर कर देगी। तो यहाँ पर पूरे भारत की मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूशन भी है, तो ये सब बिल्डिंग्स जब इतनी सुंदर तैयार हुई हुई हैं, तो ये सब कुछ सरकार कर रही है जम्मू के लिए। तो मुझे लगता है ये सब कुछ जब बन जाएगा, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, सड़कें, तो ये शहर, ये स्टेट देखने वाली होगी। कठुआ के अंदर काफी सुंदर सुंदर बाजार सजे हुए हैं, पटाखे भी लगे हैं, सजावट के लिए सामान भी लगा है, बर्तन, ऐसे काफी चीजों के बाजार लगा हुआ है जो दिवाली पर अक्सर हर शहर में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं चेनाब नदी को। जब हम पिछली बार सुंदरबानी आए थे तो इसका पानी काफी ज्यादा ऊपर था और ये बह भी बहुत तेज रही थी, पर इस बार जब हम रजौरी के लिए जा रहे हैं इसका पानी थोड़ा सा कम था और धीमी धीमी बह रही थी। बाकी नजारा बहुत सुंदर था देखने के लिए, दूर तक पहाड़ नदी से इतने सुंदर दिख रहे थे और ऊपर से हमें नदी के भी दर्शन हो गए, क्योंकि नदी कोई भी हो पवित्र होती है, दर्शन करना भी शुभ होता है। उसके बाद हम गौ माता के लिए काफी सारी रोटियां लेके आए थे और हम में ढूंढ ही रहे थे। जब हम कठुआ के आसपास पहुंचे जहां से हमें सांबा के लिए चढ़ना था, वहां पर काफी सारी गौ माता थी और वहां पर हमने गौ माता को खिलाया, और गौ माता जब जो रोटी होती है खुश होकर बहुत खाती है जब घी के ऊपर हो, तो माँ खुश होकर खा रही थी और हम देख रहे थे। उसके बाद हम जम्मू के महान और सिद्ध पहाड़ों के दर्शन करते हैं जो इतने सुंदर होते हैं, देखने में ही मन भर जाता है। तो हम जम्मू के अंदर जब एंटर हो जाते हैं पहाड़ों के अंदर सुंदर सुंदर नजारा देखने को मिलता है। चलिए हम वही नजारा अब आपको भी कैमरे के रास्ते से दिखाने की कोशिश करते हैं। का वो होता ना, यहाँ पर रेसिंग लगती है, गाड़ियों की रेस लगती है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी। अगर इतने सुंदर पहाड़ आ ही रहे थे तो पापा ने रोकी गाड़ी, तो हमने वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी 2 रील्स शूट की जो हमारे इंस्टाग्राम यदुवंशी ब्रदर पर और यूट्यूब चैनल यदुवंशी ब्रदर पर जल्द ही अपलोड होंगी। इस व्लॉग के बाद काफी अच्छा नजारा था जहां से हमने रील शूट की। उसके बाद हम सुंदर बाणी के अंदर एंटर हो चुके थे। सुंदर बाणी थोड़ा आर्मी एरिया है, तो वहां पर आर्मी की जगह बहुत सारी देखने को मिलती है। उसके बाद हम सुंदर बाणी के अंदर एंटर हो गए। उसके बाद हम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर
बागेश्वर माता सुनीता नंद गिरिजी महाराज के माँ काली के दरबार में माता सुनीता जी से मिलने गए। वहाँ पर जाकर हमने माता सुनीता जी को काफी सारी महारानी की भेंटें सुनाई और उनसे मिले और उनसे बातचीत की, उनका आशीर्वाद लिया रजौरी में कीर्तन करने के लिए। वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद हम रजौरी के लिए निकल पड़ते हैं। रजौरी के लिए बस 1 घंटे का रास्ता था, बस मस्ती में चलते रहते हैं, पहाड़ों का आनंद लेते हुए हम रजौरी में एंटर हो जाते हैं उनके घर में। उन्होंने सीधा अपने घर में बुलाया क्योंकि वहीं पर उन्होंने कहा कि हमने खाने का इंतजाम किया हुआ है। तो हम उनके घर के अंदर एंटर हुए, हमने खाना खाया, खाना काफी अच्छा था क्योंकि लंगर का खाना था, तो लंगर का खाना हमेशा ही बहुत टेस्टी होता है। तो हमने लंगर का खाना खाया और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं महारानी चंडी के दरबार के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम कैसे महारानी के दर्शन करते हैं और आपको कैसे दर्शन करवाते हैं ये आपको दिखेगा अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। आपको मिलेंगे कोई और अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।